घर पर उगाई हुई ऑर्गेनिक सब्जियां मार्केट में मिलने वाली जहरीली सब्जियों से काफी बेहतर होती है, क्योंकि ये हमारी मेहनत से ग्रो की होती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक सब्जियां खाने से हमारे खाने का टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, घर पर आप आसानी से ऑनियन यानी प्याज को आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैं बीज लगाने से हार्वेस्ट करने तक का आपको फुल अपडेट दिखाऊंगा कि आप कैसे घर पर प्याज को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्याज उगाने के लिए हमें कोई भी बेकार पड़ी बोतल ले लेनी है, या आप कोई डिब्बा यूज कर सकते हैं। हमारे पास ये प्लास्टिक का एक डिब्बा है, हम इसे बेकार समझ कर यूं ही फेंक देते हैं। तो इनमें हम बहुत अच्छे से हरी सब्जियां आसानी से उगा सकते हैं। तो हमने एक प्लास्टिक का यहाँ पर एक डब्बा लिया हुआ है, इसमें देखिए हमें इस तरीके से इसमें होल बना लेने हैं। जितने भी इसमें होल बन सकेंगे उतने में होल बना लूँगा, क्योंकि इनमें ही हम प्याज के जो बीज हैं उनको लगाएंगे, जिससे कि हमारी हरी सब्जियाँ बहुत आसानी से, जो हमारी प्याज है वो उग सके। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें हल्के हल्के जितने भी छोटे होल बने हैं, वो हमने बना लिए हैं। इसके अलावा इसकी निचली साइड में आप देख रहे हैं, हमें इसमें होल कर देने हैं छोटे छोटे, जिससे कि जो इसमें हम पानी डालें, जो ओवर वाटरिंग जो निकलती रहे। तो इस तरीके से आपको एक डिब्बा लेना है और इस तरीके से आपको उसमें होल बना लेने हैं। तो चलिए जल्दी से मैं इसमें होल किए लेता हूँ। आप इसी तरीके से बेकार आटे चावल की जो बेकार बोरी पड़ी होती हैं, आप उनमें भी आप आसानी से ऑनियन को यानी कि प्याज को ग्रो कर सकते हैं। आप खेत में या क्यारियों में भी बहुत आसानी से आप इसे ग्रो कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस डिब्बे में पूरी तरीके से होल बना के तैयार कर दिए हैं। अब देखिए ये पूरी तरह से तैयार है। अब ये हमने आधा इंची का प्लास्टिक वाला पाइप लिया हुआ है, ये हमने पानी देने के लिए। तो इसमें हमको छोटे छोटे इस तरीके से चारों तरफ इसके होल कर लेने हैं। जितना बड़ा हमारा डिब्बा है या बोतल है उससे थोड़ा हम ऊपर, उससे थोड़ा लंबा लेंगे और इसमें होल बना लेंगे इस तरीके से, जिससे जब हम पानी डालें तो आसानी से पूरे जो डिब्बे में पानी जा सके और जो हमारी प्याज है वो आसानी से ग्रो हो सके। ये चारों तरफ इससे पानी डिब्बे में पूरी तरीके से पहुँचेगा जो भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पूरी तरीके से इस आधा इंची के पाइप में होल कर लिए हैं चारों तरफ। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने यहाँ पर प्याज ली है जो कि हमारी किचन में ही, हमारे घरों में ही आसानी से मिल जाती है। अब ये जो प्याज है इसमें से हमें ऐसी प्याज चुननी है जो कि एकदम फ्रेश हो, जो कि ग्रो होने में आसानी रहे। तो हमने यहाँ पर इतनी प्याज ले ली है। अब देखिए इसे मैं ऊपर की तरफ से इस तरीके से काटता जाऊंगा। पूरी प्याज को, जितने भी हमारे डिब्बे में जितनी प्याज आएगी उतने ही हम प्याज तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने ऊपर की तरफ से इसे काट दिया है, क्योंकि ये उगने में बहुत इसे आसानी रहेगी। तो इस तरीके से आप किचन में से अपनी प्याज लीजिए या आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। और तो हमारी प्याज है जो हमने ली है, इसी तरीके से हम सब प्याज को तैयार कर लेते हैं, जिससे कि हम डब्बे में लगा सकें। तो यहाँ पे जो भी छिलके हैं इस तरीके से हमें उतार देने हैं और प्याज को हम तैयार कर लेंगे। प्याज को आप कभी भी किसी भी मौसम में आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं। इसका कोई वो नहीं है कि आपके घर में जो प्याज है आप उसे कभी भी लगाइए, आपकी प्याज बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। इस ट्रे में आप देख रहे हैं हमने इतनी प्याज तैयार कर ली है उगाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सॉइल, हमने इसमें 30% गोबर की खाद और 70% अपने गार्डन की जो नॉर्मल मिट्टी होती है उसे हमने मिलाया हुआ है इसमें। और यहाँ पे जो आप डब्बा देख रहे हैं इसमें देखिए इस सॉइल को हमने पहले से ही मिक्स कर रखा है और इसे इसमें मैं भर देता हूँ। इसके बाद में जो हमारे प्याज के जो बीज हैं उनको हम लगाते जाएंगे। पहले इसमें हम सॉइल को भर लेते हैं।
प्याज को लगाकर हमने डब्बे में पूरी तरीके से तैयार कर दिया है पानी देकर। अब इसे हम रख देते हैं इसे उगने के लिए। 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन बाद का ये अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने ऑनियन यानी कि प्याज डिब्बे में लगाई थी वो अंकुरित हो चुकी है। इस तरीके से देखिए ये उग रही है। ये मैं आपको सिर्फ 3 दिन का अपडेट दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए 3 दिन में इतनी बड़ी प्याज हो चुकी है अभी। और जो भी हमें पानी देना है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हमें देते जाना है। इसके बाद का अपडेट हम जानेंगे। 7 दिन हो चुके हैं और 7 दिन का ये मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डब्बे में लगी हुई प्याज बहुत आसानी से ग्रो हो चुकी है और काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो ये 7 दिन का अपडेट है और देखिए काफ़ी हेल्दी और ग्रीन बनी हुई है और काफ़ी तेज़ी से ये जो प्याज डिब्बे में लगी हुई है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें हम मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र हमें इस्तेमाल करना है जो कि ऑर्गेनिक होता है। उसे डालने से काफ़ी तेज़ी से प्याज बढ़ने लगेगी। तो चलिए इसका अगला अपडेट जानते हैं। पूरे 12 दिन हो चुके हैं और 12 दिन में देखिए काफ़ी प्याज हमारी तेज़ी से बढ़ी हुई है और काफ़ी हेल्दी और ग्रीन बनी हुई है। घर पर उगाई हुई ऑर्गेनिक सब्जियों में काफ़ी टेस्ट होता है। जो मार्केट में जो केमिकल वाली जो जहरीली सब्जियां होती हैं उनसे ये ऑर्गेनिक सब्जियां काफ़ी बेहतर है। इसे आप घर पर बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने आपको प्रॉपर प्याज उगाने का बेहतर तरीका आपको बताया है। तो अब इस तरीके से आप अपने घर पे प्याज को यानी कि ऑनियन को बहुत आसानी से उगा सकते हैं। अब समय है प्याज को हार्वेस्ट करने का। आप इसे हम कई बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। लगभग 10 से 12 दिन के अंदर हम कई बार इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब ये पूरी तरीके से हार्वेस्ट करने लायक हो चुकी है। बस बीच बीच में हमें इसमें जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर हमने बताया है उसे हमें इस्तेमाल करना है जिससे कि हमारी प्याज बहुत तेज़ी से बढ़ सके और हम हार्वेस्ट कर सकें। तो चलिए इसको हम हार्वेस्ट किए लेते हैं।